हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपना पेटीएम पोस्टपेड रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, मुझे पहले ना पेटीएम पोस्टपेड का कुछ 5,000 तक का लिमिट मिला था, जिससे कि मैं रिचार्ज कर पाता था, अपने अपना और अपने फैमिली मेम्बर का रिचार्ज कर पाता था। कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर तक मैंने अपने मम्मी पापा फैमिली का रिचार्ज किया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिले उसके, क्योंकि पैसे इसमें क्या होता है कि आज रिचार्ज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट 1 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपको 7 तारीख के अंडर में आपको बिल पेमेंट करना रहता है। तो मैंने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया और काफ़ी अच्छे से टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया, और हर महीने में टाइम टू टाइम पेमेंट कर देता था। अगर कभी कभार मुझसे लेट हो जाता था ना, समझ लीजिए कि 7 तारीख का ड्यू डेट दिया है और मैंने 8 तारीख को भरना चाहता था, ठीक है, तो जब तक मैं पुराना पेमेंट नहीं कर पाता तब तक नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट अमाउंट को मैं यूज़ नहीं कर सकता था। समझ लीजिए कि मैंने 5,000 में से 500 रुपये यूज़ कर लिए, ठीक है। 7 तारीख को मेरा 500 रुपये का, 7 तारीख तक मेरे को 500 रुपये भरने हैं। अगर मैंने नहीं भरा तो मैं वो बाकी के 4,500 भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं 500 रुपये पेमेंट कर दूंगा तब वो मैं यूज़ कर सकता हूँ 4,500 भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पेटीएम पोस्टपेड जो भी कोई यूज़ कर रहा है ना दोस्तों, उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करे। अगर वो टाइम टाइम पेमेंट नहीं करता है तो इसका रिकॉर्ड भी सिविल स्कोर में जाता है। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, मेरे साथ भी मैंने एक दो बार में मिस हो गया था गलती से, तो ये सारा रिकॉर्ड सिविल स्कोर में अपडेट होता है। तो अगर आपने कौन सी भी ऐसी गलती करने चाह रहे हो कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करके पैसा उनसे ले के रिचार्ज करके और उसे पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो मुझे लगता है कि जो पेटीएम पोस्टपेड है वो भी एक अनदर मतलब अदर कंपनी प्रोवाइड कर रही है फंड, इसके कारण दोस्तों वो आपका पूरा सिबिल स्कोर चेक करके ही आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब 1 साल मैंने अच्छे से यूज़ किया तो मैं सोचा था कि मुझे अच्छी लिमिट मिलेगी, अच्छी लिमिट मिलेगी, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये ऐसी लिमिट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मैंने 1 साल तक यूज़ किया, उसके बाद मैंने एक देखा है कि पहले दूसरी कंपनी प्रोवाइड करती थी पेटीएम पोस्टपेड जो 5,000 का लिमिट मुझको दिया था, फिर उसके बाद अभी दूसरी कंपनी आ गई है जो कि पेटीएम पोस्टपेड से अमाउंट प्रोवाइड कराती है। तो उन्होंने मुझे देने से मैं जब मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो मुझे नहीं मिला। कहने का बस यही मतलब है कि दोस्तों, पुरानी कंपनी ने दिया था और नई कंपनी ने मुझे नहीं दिया। तो मैंने बहुत ट्राई किया उसके रिलेटेड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं हमें रिप्लाई ट्राई कर रहा हूँ पेटीएम पोस्टपेड के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मुझे लिमिट मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ कर रहे हो ना दोस्तों, तो अच्छे से कीजिए, उसे रेगुलरली पेमेंट करते रहिए। और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको 5,000, 1,000 जितनी की लिमिट मिली है ना दोस्तों, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए और टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, और ज़्यादा खर्च करने की इच्छा मत रखिए पेटीएम पोस्टपेड से। क्योंकि दोस्तों, ये एक पोस्टपेड का मतलब ही है कि आज आपने उधार लिया और कल उसे पेमेंट किया, तो आप जितना ज़्यादा कम यूटिलाइज करोगे ना तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको 5,000 की लिमिट है तो आप 500, 600, 1,000 तक लिए यूज़ करो, लेकिन आप 5,000 तक पूरी अमाउंट मत यूज़ करो, क्योंकि दोस्तों आपको एक हैबिट हो जाएगा, फिर आप क्या है आप पेमेंट नहीं भर पाओगे। और इसका पेटीएम पोस्टपेड पे लेट पेमेंट फी भी रहता है, आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा, सिविल स्कोर भी आपका ख़राब होएगा। दोस्तों, आप लोग बताओ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक या EMI, ECS, बॉन्ड्स करता है तो उसमें उसके दो लॉस होते हैं, एक फाइन भी लगता है और प्लस उसके इंटरेस्ट भी बढ़ जाते हैं, चेक बाउंस के चार्ज लग जाते हैं। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड फर्स्ट टाइम कभी कभी तुरंत दे देता है और कभी कभी कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद देता है। जब मैंने स्टार्ट किया था पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करना तो मेरा चालू था, लेकिन मेरे फ्रेंड का उसको अप्रूवल नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक में जब मेरा बंद हो गया तो मेरे फ्रेंड का चालू हो गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके ऊपर सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, आपको देना है कि नहीं देना है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है कहीं से तो आपको फाइनली दिक्कत हो सकती है,
और अगर आपने का लोन कम है, लोन मतलब बहुत लोग कैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लोन ले लेते हैं, तो टाइम पे भरते नहीं है और क्या होता है इससे सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो इस कारण भी बहुत लोगों का हर जगह से लोन रिजेक्ट होना चालू हो जाता है। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर पेटीएम के थ्रू आप पोस्टपेड लोन लेना चाहते हो तो ध्यान में रखिए, ये टोटली वेरीफाई करके ही आपको पेटीएम लोन प्रोवाइड करता है। पेटीएम पोस्टपेड प्रोवाइड करता है, आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है 5 से 10 हज़ार, और जो जितना बढ़ के भी रहेगा तो सारा चीज़ आपका डेटा पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।